ये जगह जो खुश होने की है, हंसने की, हंसने की क्यों है? यहाँ राधा कृष्ण का विवाह हुआ है, जब अपने आप ही किसी लड़का लड़की का विवाह होता है तो सब खुश होते हैं। तो या तो साक्षात ब्रह्म का विवाह हुआ है, जब ऐसी जगह पर बैठे हो तो ताली बजाने पर हंसो। भानवी बिहारी की जय। जब हवन ने अवतार लिया और गाय चराने को आए तो पहले दिन यही है, गोपाष्टमी वाला दिन था, जसोदा मैया ने गायों की पूजा की, भगवान के टीका लगाया, लाठी पूजी और बोली बेटा ये बछड़ा ले जाओ चराने। तो भगवान बड़े खुश हुए, जैसे गोकुल से निकले, निकलती सखाओं से बोले कि भैया आज तेरे बछड़ा को लेकर भांडी बन चला। 5 वर्ष के भगवान थे और गोकुल पढ़ता जाते 50 किलोमीटर, इतनी दूर पहले दिन लेकर के आए। कारण यह था कि यहाँ पे एक वट वृक्ष इतना बड़ा था कि उसकी 15 किलोमीटर की परिक्रमा थी, उसके नीचे उतर के यमुना जी बहती थी। जब नंद बाबा गाय चराने पाते थे तो पेड़ के नीचे बैठते थे, वृक्षवाणी में बैठते थे, दोनों की गाय बैठ जाती। शाम को घर जाके नंद बाबा कहते, अरे जसोदा आज तो मैं गायों को लेकर भांटी बन चले गए हो, बाबा वट वृक्ष के नीचे मेरी गाय बैठ गई और वृक्षवाणी की गाय बैठ गई, हम दोनों मित्र बातें करते रहे। तो इस बात को हमारे प्रभु बड़े प्रेम से सुनते, सोचते कि जब मैं गाय चरा भी जाऊँगो तो पहले ही दिन भांडी बन जाऊँगो, बा वट वृक्ष को देखूँ वो कितना बड़ा है, जाके नीचे हमारी 16 लाख गाय बैठ जाए। इसकी वजह से भगवान पहले दिन आए। जब भगवान गाय चराने को आते थे तो कंस जो नए नए राक्षस भगवान को मारने को भेजता था। कंस ने बच्छासुर नाम का राक्षस भगवान को मारने को भेजा, बच्छासुर गाय का बछड़ा बन के भगवान की गाय मिल गया। भगवान ने देखा यह तो कोई राक्षस है तो भगवान ने उसको मार दिया। सखा बोले कन्हैया तेन बछड़ा मार दी तो हत्यार हो गया भाई। भगवान बोले तो मैं क्या करूँ कि तुझे सभी तीर्थ पर स्नान कर। तो सामने कुआ है, भगवान ने इसे बंसी से प्रकट किया, इसे विराजमान हुए। सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। ये कुआ सत्यवा भी था, सत्यवा जब मच्छर भगवान का अवतार हुआ था तो सत्यव्रत राजा मच्छर भगवान को लेकर के यहीं आए थे और सभा पर इसी कुआ में रखा था। बराह प्राण भी आए, देवता लोग स्तुति कर रहे कि मच्छकूपम नमस्तुभ्यम भांडीरवन स्थताम, हे मच्छकूप आप भांडीरवन में स्थित हो, हम आपके लिए बारंबार प्रणाम करते हैं। द्वापर कलयुग नाम था बहनी को। उसके बाद भगवान ने स्नान किया, जितने तीर्थ थे जितने प्रवासी थे सबको भगवान ने भंडारा दिया, गौदान दिया। भंडारे का गौ सेवा का गौदान का विशेष फल होता है। जब सौमती अमावस्या होती है इस कुएं का पानी सफेद हो जाता है। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हैं, गर्भ खंडित जाते हैं, संतान नहीं होती है, वो यहाँ आकर के स्नान करें, मंदिर मनोकामना बोले तो संतान की प्राप्ति होती है। अभी की बात है, एक लेडीज अमेरिका में रहती थी, उसकी माँ इधर आई, जो बाबा वो स्नान करने को तो आ नहीं सकती है, मैं आपने उसके ऊपर कृपा करूँ, तो मैंने उसे जो है उस जगह का जल लेकर के ठावर के समर्पित करके और उसको दे दिया। इसको 3 दिन नवाना, 8 साल हो गई थी शादी को, बच्चा नहीं हुआ, उसने उसको 3 दिन नवाया। अब उसके 3 लड़की हुई एक संग, 10-10 मिनट के अंतर में उसकी 3 लड़की हुई। अब आई थी 10 दिन पहले, तो बाबा मेरे 3 लड़की हुई, तो ये जल जो है 3 दिन नहाने पर उसके 3 बच्चा हो गए, तो उनके संतान की प्राप्ति होती। दूसरी लीला है राधा कृष्ण विवाह की। राधा कृष्ण विवाह की लीला में जब भगवान राधे भगवान कृष्ण प्रकट हो गए तो वृषभान ने भगवान कृष्ण की सगाई तो पहले ही कर दी थी। जब नंद बाबा भगवान कृष्ण का 16वें दिन नामकरण करा रहे थे तो गर्गाचार्य मुनि ने भगवान कृष्ण के 27 नाम रखे, उनमें 17 नाम राधा के ऊपर रखे, राधा श्याम सुंदर, राधा रमन, राधा निकुंज विहारी, राधा वल्लभ, इस तरीके से। तो नंद बाबा बोले गुरुदेव या राधा कौन है जो मेरे लाला के नाम के अगर तुम राधा सबसे जुड़ रहे हो। गर्गाचार्य मुनि बोले कि भैया ये अलौकिक शक्ति और वृषभानु की बेटी है, ये वृषभानु की बेटी नाम राधा है। हाँ तो गुरुदेव एक बताओ, वृषभानु मेरे लाला की सगाई तो कर देंगे, ब्याह करेगा कर्म करेगा। गर्गाचार्य मुनि बोले कि भैया तेरे बेटा का विवाह राधा के संग में होगा, भांडी बन होगा, ये तो देवतर के मध्यम होगा।
वह विवाह में न तू रहो न विश्वान बोले क्या कच्छू हो मेरे तो बेटा को व्यवहार आधा से कह जाती चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ बोले हाँ। जब भगवान गाय गाय बछड़ा चराने को आने लगे तो नंद बाबा के संग थे। फागुन का महीना था, शुक्ल पक्ष की द्योष थी, उसको क्या बोलते फलहरा द्योष। समझ फलहरा द्योष तो जानते, फलहरा द्योष का दिन था। नंद बाबा गाय चरा रहे थे, गाय चरते चरते यहाँ से आगे निकल गई पूरब की तरफ। 2 बजे 2:30 बजे करीब पूरब की तरफ से आंधी तूफान उठा, बादल गरजने लगे, बिजली तड़के लगी। नंद बाबा घबरा गए कि लाला को लेके कहाँ जाऊँ, जोर की वर्षा रह सकते हैं, ओले पड़ सकते हैं, कहाँ करूँ। तो इतने में एक तड़कन हुई, उस तड़कन में 17 वर्ष की लड़की प्रकट हुई, जिसने नीले कपड़ा पर रखे, नील मणि को मुकुट धारण कर रखे हुए, नील कमल हाथ में नंद बाबा के सामने खड़ी होगी। नंद बाबा बोले अरे ये तो हमारी आराधिका है। तो नंद बाबा ने स्तुति की। राधे जी बोली कि बाबा जा रूप के दर्शन मैंने आपको दिए, जा रूप के दर्शन और कम लोग। नंद बाबा उसके तेज को नहीं सह पाए, वो मूर्छित हो गए। राधे जी बोली बाबा तो मूर्छित हो गए, तो उन्होंने अपने लीला को एक समेटा। राधे जी बाल खुल गए, 7 वर्ष की नंद बाबा की मूर्छा जगी। नंद बाबा बोले अरे जो तो मेरे यार की बेटी है राधा। मैं राधा कि हाँ बाबा कि तू आए गए, मैं तेरी भावना को समझ गई, तू काय कारण से आई है, तू लाला को ले जा और अपनो मनोरथ सिद्ध करके लाला कुशल पूर्वक यशोदा मैया दे आई हूँ। ये तो जब मैं लाला को नाम रखवा रहा हूँ तभी मेरे गुरु जी ने मुझे बता दें। तो राधे जी ने भगवान की उंगली पकड़ी, उंगली पकड़ के या पीछे एक अशोक वन था, अशोक वन वहाँ पहुँची, उसमें दोनों किलोल करने लगे, वहीं तरुणावस्था में हो गई। शिव जी पार्वती आ गई, शिव जी ने भगवान कृष्ण को श्रृंगार कर, पार्वती जी ने राधे जी को श्रृंगार करो, स्वतः ही एक मंडप प्रकट भयो जहाँ में 1000 खम्भा लगे भय, रतन मणि ते सुशोभित है, बीच में एक सिंहासन बने भयो है, सिंहासन में चढ़गा साथ सीटी लगी भई है। ऐसा मालूम पड़ता वो मंडप कि मालूम बहुत बड़ा भवन है। ब्रह्मा जी आ गए, राधा कृष्ण को सिंहासन पर बैठा लो। ब्रह्मा जी वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, वेद मंत्र की आवाज जब आकाश में गूंजने लगी, सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। क्या तो राधा कृष्ण विवाह है, सब आ गए। मंडप को चारों तरफ से घेर लो। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को पूजा कराई, जिस टाइम पे भगवान पूजन कर रहे थे उस टाइम पर उन्होंने अपनी बंसी को अपने पास रख लिया था और बंसी को राधे जी ने चुरा लिया। ब्रह्मा जी ने हस्तलेपन किया, कन्यादान किया, यज्ञ कराए, पूरा कराए। लास्ट में क्रिया होती है लड़की की मांग में सिंदूर भरने की। जब तक लड़की की मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता विवाह मान्य नहीं होता है। तो भगवान ने राधा जी की मांग में सिंदूर भरा, सिंदूर भरते ही सब देवता लोप हो गई, मंडप भी लोप हो गया, ब्रह्मा जी लोप हो गए, राधा कृष्ण दोनों अकेले रह गए। इतने में भगवान कृष्ण जो 2 वर्ष के बच्चा भर के गोटू के चलने लगे, राधे जी बोली प्रभु या कौन सी लीला कर रहे हो, मैं इस वियोग को अब नहीं सह पाऊंगी, क्यों मैं तो तरुण अवस्था में, आप जो बाल्य अवस्था में, कभी तो आप मेरा मंगल करते हो, कभी कल्याण करते हो, कभी मेरे से व्यवहार रचाते हो। तभी आकाशवाणी की, आकाशवाणी भगवान कहने लगे राधे ये भांडिल बना हार तुम्हारा निकुंज बने, अभी हमारे तुम्हारे नित्य मिलने नहीं आई होंगे, जब हमारा महाराष्ट्र जय हो तो महाराष्ट्र के बाद हमारा तुम्हारा नित्य राष्ट्र यही होगा। और ये राधे जो भक्त मुझमें तुम में अंतर समझेगा कि एक प्राण दो दिए नहीं है, उसकी 7 पीढ़ियों को नरक भरना पड़ेगा। इतनी सुन के राधे जी बहुत खुश हुई और भगवान कृष्ण को बंसी को यशोदा में पहुँचा करके वापस आ गए। सबसे मुख्य लीला एक दिन की बात है, भगवान और राधे किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो भगवान बोले राधे से राधे देखो ये भांडीर बन जो है हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजन की लीला भी है। राधे जी बोली क्या हूँ ये कि आया बन को प्रथम प्रश्न जो भक्ति आवे वो और इस कुएं का आचमन करेगा उसे 14 अवतार के दर्शन को प्राप्त होगा। जो स्नान करेगा वो जाने अनजाने पापन से मुक्ति पाओ चाहे काव जन्म के पापों, चाहे किसी भी जन्म के पाप, तो जो अपनी मनोकामना बोलेगा उसकी मैं मनोकामना पूरी करूँगा। जो भक्त एक रात्रि निवास करेगा, कुआ को स्नान करो, भांडिर बिहारी के दर्शन करेगा, वो गोलों की प्राप्ति।
या बैठ के कोई चीज खावे वो इंद्रलोक की प्राप्ति करेगा, और जो गौदान करेगा उसकी 73 पीढ़ी का उद्धार होगा। इतनी सुनकर राधे जी बोली, प्रभु आपने बहुत ही बड़ी बात करी, इतना होने पर दया भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी, 2400 घंटा रहेंगे हमारे तुम्हारे मिलने बाधा पड़ जाएगी। भगवान बोले, राधे गोपनीय, यह मेरा गुप्त वृंदावन है, यहाँ की लीला गुप्त है, यह मन को प्रकाश में लीला हूँ। जब भक्त कई बार पूरे ब्रज में घूम जाए वो, तब तो उसके ऊपर तब उसके ऊपर कृपा करूँगा कि तू भांडीवन में आ। हर वक्त को भांडीवन में नहीं आते, तो जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ आता है, एक नहीं आता है। यहाँ पे वैसे तीन तरह का दान होता है, एक तो जो भक्त अपने नाम से एक दिन की सेवा करवाना चाहता है तो उसकी नौछावर सिर्फ 1100 रुपया है, उस समय 4 आरती होती है, 4 भोग लगते हैं। दूसरा ये विवाह का मंदिर या राधा रानी के कन्यादान का दान होता है, कन्यादान और राधा रानी श्रृंगार और साड़ी ये भेंट की जाती है। तीसरा बाबा ने गोदान किया था, गायों की सेवा का दान होता है, मेरे पास 10 से 12 गाय छाछ आ जाती है, भक्त आते हैं छाछ का प्रसाद पी करके जाती है। और मैं तो ये कहूँगा आप लोग जो है एक सेवा करो कि 4200 रुपये खर्च होते हैं ठाकुर जी पोशाक बनवाने, अब ये पोशाक जो है मुंबई के ईश्वर वाले भक्त की धारण कराइए, कल धारण कराएंगे, ये मलाड़ का रहने वाला है, उसके बाद कल मैंने 10 भी करा दिए उसे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ सब जने मिलकर के एक ड्रेस की व्यवस्था करो तो अच्छा। ब्रह्मांडी बिहार की मंदिर किसी ट्रस्ट का नहीं है, जो भी भक्त यहाँ भेंट करके जाते हो उसी मंदिर का खर्चा चल रहा है। बोल बाबा जी के लिए बोले राधे।